हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है एक अंधी लड़की की कहानी, लोगों की सोच। एक समय की बात है कि कुछ लोग बस में बैठकर जा रहे थे। उसी बस में एक 10 साल की लड़की भी जा रही थी। लड़की हरे पेड़ और बगीचों को देखकर बहुत ही खुश हो रही थी और अपने पापा से बोलती, पापा देखो ना, पेड़ और ज़मीन कैसे एक साथ भाग रहे हैं। उसके पापा ने कुछ नहीं बोला और बस मुस्कुरा कर ही रह गए। उसी सीट के बगल में कुछ यंग लोग थे जिनकी अभी अभी शादी हुई थी। वो लोग लड़की की इस बात को बार बार बोलने से परेशान हो रहे थे। थोड़ी देर हुआ कि लड़की ने ज़ोर से चिल्ला कर बोला, अरे पापा ये देखो, पेड़ के साथ बादल भी चल रहे हैं। लड़की की इस तरह की बात सुनकर बगल वाले लोगों को बहुत ही गुस्सा आ गया और वो बोले, आप अपनी बेटी को क्यों अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाते? इतनी बड़ी हो गई है और बोल रही है कि बादल भी चल रहे हैं। उनकी यह बात सुनकर उस लड़की के पिताजी ने बोला, वह अभी अभी डॉक्टर के पास से ही आई है और बचपन से ही अंधी थी। आज ही इसकी आंख वापस आई हैं और उसने कभी बादल और पेड़ को देखा ही नहीं है। लड़की की पिता की यह बात सुनकर वह बैठे सब लोग बहुत ही बुरा महसूस करने लगे और तुरंत ही उसके पिता से माफ़ी मांग ली। इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि हम लोगों को कोई भी बात किसी के बारे में बोलने से पहले पूरी बात को जान लेना ज़रूरी है। अगर आप बिना पूरी बात जाने कुछ करते हैं तो हो सकता है कि आपसे कोई ऐसी गलती हो जाए जिसको आप कभी माफ़ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching.